नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की मनमानी के खिलाफ छात्र संगठन मुखर होने लगे हैं और इस बार अखिल पलामू छात्र संघ आपसू ने सिंडिकेट की बैठक में लिए गए निर्णय को वापस लेने समेत छात्र हितों के अन्य मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पहले भी छात्र संगठन आपसू ने इस मामले को लेकर जोरदार आंदोलन किया था और एक बार फिर आक्रोश मार्च निकालकर विश्वविद्यालय के समक्ष आपसू से जुड़े छात्रों ने आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। छात्र नेता अभिषेक मिश्रा, राहुल दुबे, राजीव रंजन और कुणाल किशोर के नेतृत्व में 3 दिन पहले भी आपसू की छात्रा इकाई ने कुलपति का पुतला दहन करते हुए विश्वविद्यालय प्रबंधन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद विद्यालय द्वारा कोई सकारात्मक पहल नहीं किए जाने से नाराज आपसू ने विश्वविद्यालय का घेराव किया और अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। क्या है आपसू की मांग और क्यों जरूरत पड़ी छात्रों को आंदोलन की, इस पर छात्र नेता अभिषेक मिश्रा ने कैपिटल न्यूज को पूरे विस्तार से मामले को बताया है। यदि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के कुलपति समेत तमाम पदाधिकारी नहीं चाहते तो मुझे विश्वास है कि नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को दीमक की तरह चाट जाएंगे। ये लोग उसी भवन का नींव हिलाने की काम कर रहे हैं, उसमें चूहा की तरह खोखला कर रहे हैं अनेकों साथियों। आज उसी का संघ विश्वविद्यालय के कुलपति के पास आने का काम करता है, लेकिन विश्वविद्यालय के कुलपति के अंदर भय है, विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारियों के अंदर भय है। वो अखिल पलामू छात्र संघ के सवालों का जवाब नहीं देता, हमारे चलते दर्जनों छात्रों का कार्य को बाधित करने का काम करता है। मैं बार बार अनुरोध करता हूँ इस विश्वविद्यालय से कि हमें शैक्षिक कार्य बाधित करना हमारा उद्देश्य नहीं है। पलामू प्रमंडल ही नहीं बल्कि इस राज्य में जितने भी छात्र संगठन फूल रहे हैं, जो छात्रों की निस्वार्थ सेवा करते हैं, उन छात्र संगठनों की तरफ से लड़ने का लड़ाई है। इन्होंने कहा था कि हम तुम्हें विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे। जिस दिन से इन लोगों ने यह फरमान जारी किया है, जिसे हम लोग तुगलक की फरमान की संज्ञा देते हैं, रोज अखिल पलामू छात्र संघ धरना देने आ रहा है, लेकिन एक भी यह दिमाग की तरह जो विश्वविद्यालय को चाट रहे हैं, वह पलामू के प्रमंडल के छात्रों का जवाब देना उचित नहीं समझ।